नमस्कार दोस्तों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की आपके लिए एक नई पीवाईक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो राजस्थान की गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनमें भी वो प्रश्न शामिल होंगे जो आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी द्वारा 2015 से 2018 के बीच में पूछे गए प्रश्न हैं। पिछले वीडियो में हमने 2018 से 2019-20 तक के प्रश्नों को शामिल किया था, जिसमें लगभग 2000 के आसपास प्रश्न थे। उस वीडियो को आपने काफी सराहा और उसके बाद में 2018 से 15 तक के प्रश्नों की आपकी मांग रही थी, तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। हालांकि मैं चाहता था कि आपको उसी प्रकार का एक मेगा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए, लेकिन अभी इस कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में मैं भी घर पर हूं, तो यहां पर प्रॉपर नेटवर्क नहीं होने की वजह से मैं बड़ा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। इसलिए आपको डेली 20 से 25 मिनट का एक वीडियो प्राप्त होता रहेगा और धीरे धीरे 8-10 दिनों में आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जब भी कोई भी एग्जाम नजदीक आएगा तो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को मैं बिना किसी व्याख्या के आपके रिविजन के लिए एक बड़े वीडियो में समाहित करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आसानी से उसे रिवाइज कर पाएंगे। अब जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और साहित्य के ही प्रश्नों को शामिल किया गया है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें केवल कला संस्कृति और साहित्य के ही प्रश्नों को पूछा जाता है। साथ ही आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी और राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो भी इनके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा प्रश्न है राजस्थान कला संस्कृति और साहित्य, और उसके बाद में इतिहास का नंबर आता है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपरों के बेनिफिट को मैं पहले ही आपके साथ में साझा कर चुका हूँ। राजस्थान के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर उठाकर देख लीजिए आप, लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जो किसी न किसी गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपरों को हम अच्छी तरीके से एक दो बार सोल्व कर लेंगे। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, ये तमाम जो जानकारी है हमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सोल्व करने से ही प्राप्त होगी। वैसे हम राजस्थान जीके को पढ़ने जाएंगे तो जीके में बहुत सारा मैटर है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए स्मार्टली स्टडी करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट रिटेन कर पाएंगे, और जो चीजें किताबों में डाली हुई हैं लेकिन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उनको आप इग्नोर करते हुए अपनी स्टडी करेंगे तो वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हैं जिससे संबंधित बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो फालतू की हैं जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर नहीं पूछे जाते। तो ऐसी चीजों में आप ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, उसे ऊपरी तौर पर ही एक बार देख लेंगे, और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। आई होप आप सभी घर पर ही होंगे और लॉकडाउन के आप अच्छे से अनुपालना कर रहे होंगे। तो यहाँ पर लॉकडाउन केवल आपको बाहर जाने से है, न कि पढ़ने का लॉकडाउन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पर एग्जाम ओरिएंटेड अथा मैटर है, उसे आप अच्छे से पढ़ें। ये क्वेश्चन सीरीज आपको कल से डेली प्राप्त होती रहेगी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अच्छे से इसका यूटिलाइज करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भी मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा उसके लिए आप अपने हिसाब से एक टाइम भी बता दीजिए कि शाम को 5 बजे करना है, शाम को 4 बजे करना है, शाम को 9 बजे करना है या मॉर्निंग को 6 बजे, या इस प्रकार से वीडियो अपलोड का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होना चाहिए वो भी आप सजेस्ट करें। उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कमेंट जिस टाइम के लिए आएंगे उसके हिसाब से मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, तो डेली के वीडियो को आप जरूर देखिए। वीडियो के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भी साझा करें और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं राजस्थान जीके पीवाईक्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।